हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए दोस्तों, आज आपके साथ छत के ऊपर जो ये शेड बनी हुई है, झोपड़ी बनी हुई है, यहाँ का मैंने थोड़ा सा मेकओवर किया है। यहाँ की जो दीवार थी बिल्कुल सूनी थी और हल्की सी गंदी सी भी हो रही थी और खाली खाली लगती थी। हम यहाँ पर बैठते थे पर मन नहीं लगता था, आके बैठने का मन नहीं करता था। तो मेरे दिमाग में कब से आइडिया आ रहा था कि मैं यहाँ पर कुछ पेंटिंग वगैरह कर दूँ। तो देखिए, आज मैंने पेंटिंग कर दी है। और ये पेंटिंग मैंने कर दी थी उसी दिन जिस दिन मैंने परसों आपके साथ व्लॉग शेयर किया था। तो मेरे पास मिट्टी का टुकड़ा था, एक अंगीठी है टूटी हुई, तो उसमें मिट्टी थी, तो वही वाली मिट्टी मैंने लेकर जो है डिज़ाइन बनाना शुरू किया। तो मैं मिट्टी से इसलिए बना रही थी ताकि जो दीवार है ख़राब ना हो। अगर कलर से डायरेक्ट बनाती तो फिर वो अच्छे से बनता भी नहीं है, और मिट्टी से अगर नहीं बनता सही तो मिट्टी जो है धुल जाती है। तो देखिए, अभी मैं अगले दिन छत पर आई हूँ। वो शाम का समय था जब मैंने ड्राइंग की थी, तो अभी सुबह का समय, दोपहर का ही समय है, 11-12 बजे हुए हैं और मौसम बहुत ही अच्छा हुआ हुआ है और शहरी मेरे साथ है। और जब भी छत पर आती हूँ तो आपको पता है शहरी तो पहले आता है। और देखिए दीवार पर ये जो ड्राइंग बनी हुई है तो मैंने कंप्लीट कर दी थी। जिस तरीके से भी मुझे ड्राइंग आती है मैंने वही वाली ड्राइंग आपके साथ बनानी यहाँ पर शेयर की है। तो ज़्यादा ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है पर फिर भी थोड़ी बहुत मैं काम चला लेती हूँ। तो देखिए, हल्का हल्का डिज़ाइन आपको दिख भी रहा होगा, तो इसमें कलर भी भरकर देख लेते हैं कैसे लगती हैं। और ये मैं अपना पिटारा लेकर देखिए आ गई हूँ ऊपर, और इसमें सारे कलर वगैरह मैंने भरे हुए हैं। तो सबसे पहले जो मैं ब्राउन कलर लूँगी, और जो ट्री का निचला हिस्सा है ना, तना है, उसको मैं पहले आउटलाइन करूँगी और फिर उसमें कलर भर दूँगी। तो धीरे धीरे मैंने इसी तरीके से पूरी जो पेंटिंग दीवार पर बनाई है सारी में धीरे धीरे कलर भर दिया है। तो आप बताइएगा आपको ये वाली मेरी पेंटिंग और मेकओवर कैसा लगा। सिंपल किया है, जिस तरीके की मेरे पास चीज़ें थी सारा ही कबाड़ से जुगाड़ किया है मैंने। तो जो जो मेरे पास वेस्ट सामान पड़ा हुआ था और जो जो चीज़ें पड़ी हुई थी मैंने उसी से मेकओवर कर दिए। कोई भी चीज़ मैं बाहर से नहीं लेकर आई। तो आप प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक तो किया कीजिए और वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। और मैं आपको सबको, अपनी यूट्यूब फैमिली को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मेरे और YouTube फैमिली बड़ी होती जा रही है। तो इसी तरीके का प्यार आप बनाए रखिए, तो आपके प्यार और विश्वास की और साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी तरीके से आप लाइक किया कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिए ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडिया आते रहते हैं, पर वही है, थोड़ा सा मैं मायूस हो जाती हूँ जब मेरे व्यू कम आते हैं। तो प्लीज़ आप फुल वीडियो देखा कीजिए, और अगर कोई गलती हो तो बताया भी कीजिए, तो मैं सुधारूंगी अपनी उस गलती को। और अपने आइडियाज़ और भी दीजिएगा आगे फ्यूचर में, फिर थोड़ा सा और चेंज करती रहूँगी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास जो चीज़ें थी तो मैंने वही कर दिया, और गमले वगैरह और प्लांट्स वगैरह आपके साथ शेयर नहीं किए क्योंकि अभी उनके ऊपर मैं कलर करूँगी। तो अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो अभी गमलों के ऊपर कोई कलर नहीं किया। तो यहाँ पर शेड है तो यहाँ पे मैंने इसीलिए दीवार पर कलर कर दिया क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह आता नहीं है, और हम बैठते हैं कई बार आके, तो सर्दियों में भी बैठ जाते हैं यहाँ पे, ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो शेड के नीचे हम बैठ जाते हैं चेयर वगैरह लेकर। तो दो चेयर और एक टेबल यहाँ पे पड़ी रहती है तो उसी को हम यूज़ में लाते हैं। बल्कि टेबल तो बीच में से टूटी हुई है पर फिर भी वही जुगाड़ करके, आपको पता है हम इंडियंस जुगाड़, कबाड़ से जुगाड़ बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो मैं उसी तरीके से छत को मैंने मेंटेन किया हुआ। तो देखिए, इसी तरीके से मैं पेड़ में जो है नीचे के जो ट्री का हिस्सा है उसमें ब्राउन कलर भरा, और मैंने सारे ही एक्रेलिक कलर भरे हैं इसमें, और कोई भी पक्का कलर नहीं है मैंने। बल्कि बीच बीच में ना वॉल कलर भी, वॉल स्टेनर होते हैं जो वाइट वॉश के समय पर जो कलर के लिए स्टेनर डालते हैं, वो भी किए हैं यूज़। तो हो सकता है वो पानी लगने से निकल भी जाएँ इन फ्यूचर, पर जब तक रहेंगे। तो मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में और इस दीवार को पेंटिंग करने में, तो प्लीज़ आप फुल वॉच करके ही देखिएगा और बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो बने रहिए, अभी मैं देखते रहिए, मैं पूरी वॉल को आपको पेंट करके दिखाती हूँ।
और देखिए यहाँ पर मैंने ट्री को पेंट कर दिया पूरा। थोड़ा स्पीड मेरे को तेज़ करनी पड़ी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। और यहाँ पे देखिए मैंने बर्ड भी बना दिए थोड़े से। तो जिस तरीके की भी मुझे ड्राइंग आती थी और मैंने इजी तरीके से ही बनाई है, कोई मुश्किल नहीं बनाई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसी बनेगी, तो मैंने एक ट्रायल लिया था, पर फिर भी बहुत सही बन गई। आप बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी ये ड्राइंग और पेंटिंग। तो इसी तरीके से देखिए पक्षी बना दिए, अभी बादल बनाऊँगी बीच बीच में। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपने घरों में, छतों पर या कहीं पर भी बोरिंग जहाँ पे लगे आपको, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं तो करती रहती हूँ ऐसी चीज़ें और मुझे अच्छी भी लगती हैं। और कहीं पर भी अभी छत पर देखिए अभी बैठने का मन भी करेगा, सभी लोग आकर बैठेंगे भी, देखेंगे भी, और बच्चे भी खुश हो गए थे, सबको अच्छी लगी है। और यहाँ पर आप बैठकर शाम की चाय वाय भी पी सकते हैं, आराम से बैठ भी सकते हैं। और इस तरीके से कुदरती चीज़ों को देखकर और अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों को देखकर मुझे तो बहुत खुशी होती है और प्यारी भी लग रही है वॉल ये। और यहाँ मन भी करेगा बैठने का। और अभी आगे आगे जो है मैं और थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहूँगी बीच बीच में यहाँ पे ना। तो अभी मैंने जो मेरे पास चीज़ें थी, मैं अवेलेबल थी, मैंने वही रखी हैं। तो हो सकता है दिवाली पर मैं थोड़ा और चेंज करूँ तो आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी अपने मुझे अच्छे अच्छे आइडियाज़ दीजिएगा कि मैं और यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें भी हम यहाँ पे रख नहीं सकते। एक तो शहरी आता है ऊपर, तो वो जो है भागता है, दौड़ता है इधर उधर, तो इस वजह से ज़्यादा सामान भी नहीं रख सकते। और ज़्यादा जगह भी नहीं है, शेड के नीचे छोटा सा शेड है और टेबल जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो उसी हिसाब से है। तो आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको यहाँ का चेंज लगता रहेगा, मैं बीच बीच में आपके साथ शेयर करती रहूँगी यहाँ की वीडियो भी। और मैं अक्सर अपने गार्डनिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, तो अभी मैंने प्लांट्स की वीडियो कोई भी आपके साथ आज शेयर नहीं की, क्योंकि प्लांट्स को मैंने अभी नहीं छेड़ा है। तो मेरा मन था कि मैं प्लांट्स को भी, पॉट्स को भी जो है, गमलों को भी मैं पेंट वेंट करके तब आपके साथ पूरा शेयर करूँ। तो आगे मैं फ्यूचर में जो है, बारिश अभी आनी है बाकी है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा प्लांटर्स को कलर वलर नहीं किया, और उसमें मेहनत भी ज़्यादा है आपको पता है। तो अभी मौसम भी थोड़ा गर्मी वाला है, तो गर्मी में इतना काम मैं भी नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए मैंने वो छोड़कर सिर्फ यहीं का शेड के नीचे का ही मेकओवर किया है। तो आप ज़रूर बताइएगा कैसा लगा और अपने अच्छे अच्छे आइडिया ज़रूर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको मेरा ये वीडियो व्लॉग जो है कैसा लगा। तो देखिए अभी मैंने बादल बनाए हैं और बादल में कलर भर दिए हैं। तो आपके अच्छे अच्छे कमेंट में पढ़ती हूँ ना, तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और बनाने का भी मन तभी करता है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट से उत्साह बढ़ाते हैं। तो प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और मेरी फैमिली को, हमारी फैमिली को और आगे बढ़ाइए। तो बने रहिएगा आप ऐसे ही मेरे साथ हमेशा। और कुछ भी आपको किसी भी चीज़ के टिप्स वगैरह चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए बादलों में भी मैं कलर भर रही हूँ, आउटलाइन कर रही हूँ, और सब मैंने डिज़ाइन पहले ही बना रखा था, क्योंकि डायरेक्ट आप एकदम से ब्रश से जो है डिज़ाइन में इतनी भी परफेक्ट नहीं हूँ कि ब्रश से जो बना लूँ। तो मिट्टी से मैंने बनाया था देखिए। तो आप भी इसी तरीके से छोटे छोटे जुगाड़ करके अपने घर को सुंदर बना सकते हैं, गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर फ्लावर्स भी बनाए थे जो ड्रॉ करे थे, उनमें भी रेड कलर कर दिया, और सारे ही कलर मैंने एक्रेलिक किए हैं अभी तक यूज़। जो मैंने नीचे ग्रीन ग्रास बनाऊँगी ना इसमें ही ट्री के नीचे, तो वो मैंने जो स्ट्रेनर से बनाई थी, थोड़ा कलर मेरे पास कम पड़ रहा था ग्रीन वाला, और ये वाला जो कलर अगर मैं यूज़ करती तो वो आधी बन पाती। तो मैंने जो है स्ट्रेनर लिया था ग्रीन कलर का, उसका कलर भी हट के आ रहा था अलग से, दूसरा अलग सा ग्रीन था वो। तो देखिए अभी इसकी जो लीफ वगैरह हैं उसमें भी मैंने स्टेन वाटर कलर भरा था, मेरे पास वाटर कलर भी थे, तो सबको मिक्स एंड मैच करके जो है मैंने ये पेंटिंग बनाई है। और प्लांट्स वगैरह भी रखूँगी यहाँ पर, और नीचे से भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है लाकर मैंने ऐड की हैं यहाँ पे। और देखिए फ्लावर्स कितने ही प्यारे लग रहे हैं। और शहरी परेशान था क्योंकि उससे गर्मी लग रही थी और वो नीचे भी नहीं जा रहा था, क्योंकि इस समय बच्चे जो है स्कूल गए हुए थे और मैं फ्री थी, तो मैंने फिर ये काम कर दिया, क्योंकि जब बच्चे घर पर होते हैं तो और भी काम होते हैं मुझे, तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फ्री रहती हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा अपना पेंटिंग का शौक़ जो है पूरा कर लेती हूँ और व्लॉग वगैरह आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो देखिए फ्लावर्स कितना सुंदर लग रहा है। तो जैसी शेप मुझे समझ आई मैंने वैसी ही बना दी, क्योंकि वॉल पर पेंटिंग करना भी इतना आसान नहीं है, आपको पता ही है। अगर ज़रा सा भी बेकार लगे तो कितनी गंदी वॉल लगती है और उसको साफ़ भी नहीं कर सकते।
और ये मैंने ब्लैक कलर से हल्के हल्के बीच बीच में डॉट भी डाल दिए ताकि सुंदर लगे फ्लावर, थोड़ा नेचुरल लगे। तो ऐसे तो हम स्टिकर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, पर हमें सस्ते में काम करना था। तो देखिए मैंने ये ग्रीन ग्रास भी इस तरीके से बनाई है और उसमें भी हल्के हल्के छोटे छोटे फ्लावर्स रेड कलर के मैं सिर्फ टच कर रही हूँ और हल्के हल्के हाथों से डिज़ाइन बना रही हूँ। और जब हम लोग इस ऐसा काम करते हैं ना तो अपने आप ही हाथ चलने लग जाता है और दिमाग में आइडियाज़ भी काफ़ी आते हैं। तो देखिए मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है, आप भी बताइएगा कि ये जो ट्री के नीचे घास बनाई है मैंने कैसी लगी। पहले मैं ऐसी छोड़ने वाली थी खाली, पर मुझे खाली खाली लग रहा था दीवार, तो इसीलिए मैंने जो है ये थोड़ी सी ग्रीन ग्रास जो है नीचे बना दी। तो देखिए आप बने रहिए, इन्जॉय कीजिए। वैसे पूरी हो गई है कम्प्लीट ये दीवार जो है पेंटिंग, बस यही रह गई हल्के हल्के जो फ्लावर मैं डॉट डॉट डाल रही हूँ। तो इसी को कंप्लीट करके तो आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये मेरा काम जो हुआ है 2 दिन में हुआ है ये वाली पेंटिंग तैयार, क्योंकि बीच बीच में मैं नीचे भी जा रही थी, काम भी कर रही थी अपना। और देखिए पेंटिंग जो है बनकर रेडी है। तो बताइए कैसी लग रही है आपको ये पेंटिंग। और नीचे से मैंने जो ये फर्श है ना धो दिया है, कल भी धो दिया था, तो यहाँ पे थोड़ी धूल मिट्टी आ जाती है। आपको पता है टेरेस है तो टेरेस पे धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो इन दिनों में वैसे भी बारिश वगैरह चलती रहती है तो गमलों की मिट्टी भी निकल कर आ जाती है, तो मैंने सारा धो दिया है। और देखिए पेंटिंग बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार है। थोड़ा सा इसमें और चेंज करना है तो जो होगा मैं आपको दिखाती रहती हूँ अभी। तो ये 2 दिन में काम हुआ था, तो ये शाम का सुबह का समय था और जब मैंने शुरू की थी तो ये दोपहर को मैं लंच बनाने के लिए नीचे चली गई थी, तो उसके बाद फिर से मैंने ये किया। और मेरे पास ये ग्रीन ग्रास वाले मैट पड़े हुए थे, देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं नीचे जो मैंने यूज़ किए हुए थे, तो मैंने ऊपर ले आई और उनके ऊपर मैंने प्लांट्स गमले वगैरह रख दिए हैं और ये चेयर और टेबल भी रख दिए जो ऑलरेडी यहाँ पर पड़े हुए थे। और बीच में टेबल पर भी एक पॉट भी रख दिया एलोवेरा का। तो ये रात का समय है, 7 बजने वाले थे, तो थोड़ा सा चेंज सेट करके मैं नीचे चली गई थी। तो अगले दिन सुबह फिर से मैंने जो है यहाँ पे चेंज किया था और देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे ये ग्रीन ग्रास जो मैट बिछाए हैं। तो ये रात को जो है मैं फिर आधा सेट करके चली गई थी, क्योंकि चेयर वगैरह के कवर अभी मैंने कुछ भी यूज़ मतलब सेट नहीं किए थे, टेबल का कवर भी चेंज किया था। और देखिए इस सुबह का समय हो गया फिर से दोपहर का, अपना काम वाम ख़त्म करके मैं फिर से आ गई थी और ये विंड चैन जो मेरे पास पड़ी हुई थी वो भी लगा दी और टेबल का कवर चेंज किया है। और देखिए राधा कृष्ण जी का झूला था जो वो भी लगा दिया यहाँ पे, और प्लांट्स सारे इस तरीके से जो छाया में चलने वाले हैं वही लगाए हैं, और राधा कृष्ण जी के झूले को यहाँ पे पेड़ के पास लगा दिया। तो थोड़ा सा पुराना हो गया था, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, अच्छा लग रहा है। और देखिए ये ट्रे भी मैंने बनाई है जो आपके साथ आगे शेयर करूँगी, DIY है, बाल्टी के पेंट का ढक्कन है ये, तो जो मैंने पेंट किया है। और इसके ऊपर मैंने निक नेक्स रख दिए हैं, छोटे छोटे कप प्लेट्स जो होते हैं बच्चों को खेलने के लिए, वो भी पड़े हुए थे मेरे पास, तो वो भी मैंने यहाँ रख दिए लाके शो के लिए रखे। और एक फ्लावर पॉट जो वो भी मेरा अगेन DIY है, ग्रीन जो ये लीफ बनी हुई है ये भी मैंने पेपर लीव्स हैं जो मैंने पेंटिंग करके शेयर की हुई हैं अपने चैनल पर। और देखिए एक टेबल पर भी मैंने ग्रीन ग्रास मैट्स रख दिए ताकि अच्छे लगें। और थोड़ा सा यहाँ पानी डाला था तो वो सूखा नहीं है। और चेयर के ऊपर भी देखिए सोफ़ा कवर जो पुराने पड़े हुए थे वो भी बिछा दिए मैंने। और देखिए राधा रानी और कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और फालतू के भी जो भी गमले इधर उधर पड़े हुए थे ना तो सबको मैंने ला कर यहाँ पर रख दिया, फालतू तो नहीं है। और ये एक काओ थी जो थोड़ी सी खंडित हो गई थी, और गणेश जी का स्टैचू फाउंटेन है ये भी ख़राब हो गया था, और एक ये फ्लावर पॉट है हमारे पास ये भी वेस्ट पड़ा हुआ था। तो सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे ला के रख दिया जो भी मेरे पास अवेलेबल थी, और कबाड़ से जुगाड़ कर दिया। तो आप बताइएगा आपको ये मेरा मेकओवर कैसा लगा, और ख़ासकर जो वॉल पेंटिंग है वो कैसी लगी। तो अभी बैठना भी अच्छा लगेगा यहाँ पर। और देखिए प्लांट्स के बीच में मैंने विंड चैन भी लगा दी, हवा चलती है तो ये बजती है तो और भी अच्छी सी सुंदर सी आवाज़ आती है कानों में पड़ती है जो। और नीचे लगी हुई थी ये भी खंडित हो गई, टूट गई थी थोड़ी सी विंड चैन, तो मैंने ऊपर लाकर इसको लगा दिया। कुछ भी मैं नया सामान नहीं ऐड किया। और अभी देखिए लास्ट में मैं ये कप प्लेट्स ठीक कर रही थी। तो बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय, टेक केयर।